नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। जलकल विभाग कर्मचारी हैं पस्त, अधिकारी हैं मस्त। उन्नाव 5/6 माह के वेतन न मिलने से जलकल विभाग के कर्मचारी हैं परेशान। नगर पालिका परिषद उन्नाव में आउटसिंग कर्मचारी जो क्रमशः पंप ऑपरेटर, बेलदार और प्लम्बर के पद पर विभाग में कार्यरत हैं, जिन्हें गत अप्रैल 2021 से वेतन नहीं मिला। लगभग 150 कर्मचारी हैं जिन्हें जीवन यापन करने की कठिनाई हो रही है। कई बार विभागीय अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र दिया लेकिन वेतन नहीं मिल सका। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन 6,900 मिलते हैं जो श्रम विभाग के वेतनमान से काफी कम है। वह भी इन्हें समय पर नहीं मिलता ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अगर कोई कर्मचारी वेतन की आवाज़ उठाता है तो विभाग विभागीय अधिकारी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। आला अधिकारियों से यह कर्मचारी मांग करते हैं, हमारा वेतन बकाया दिलाया जाए और समय पर वेतन मिले ताकि मैं अपने परिवार वालों की भरण पोषण कर सकूं। जिलाधिकारी उन्नाव ज्ञापन देने सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्हें जिला अधिकारी की तरफ से आश्वासन मिला है। गरीबों के मसीहा कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने गरीब कर्मचारियों की आवाज़ बनकर वर्तमान सरकार पर सीधा निशाना ताना है। उन्होंने कहा, जलकर विभाग के कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन मिलना चाहिए। कोरोना काल से अभी गुजरे हैं, जो इतनी बड़ी महामारी थी, या अपने परिवार वालों का किस तरह भरण पोषण करते होंगे। और बड़ी सोचनीय विषय है कि जो इतनी कम वेतन पर कार्य करते हैं फिर भी उन्हें वेतन कम समय पर नहीं मिलता, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने इस पर उनका ध्यान साथ देने के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं कर्मचारी और पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह। ज्ञापन देने के दौरान रंजन यादव, दीपक सतीश कुमार वर्मा, अजय कुमार, विपिन कुमार, आदेश सिंह, धर्मपाल, छेदीलाल, संदीप, प्रदीप आदि लोग मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए जिला संवाददाता आरिफ अली शेख की खास खबर उन्नाव से। 6 महीने से आप लोगों को वेतन नहीं मिला, इससे पहले आपने ज्ञापन दिया किसी? इससे पहले हम लोग करीब 3 महीने से ज्ञापन दिया जा रहा है। हमने मजिस्ट्रेट जी को भी दिया है, जो पहले जो आए थे उनको भी दिया था, जलकल अधिकारी को भी दिया था और हमने यहाँ जिलाधिकारी में भी दिया था और हमने एक फैक्स भी किया था सीएम आवास में, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके जेई कौन है? विजय वर्मा। उनसे बताया आपने? उनसे पूरी बात बताई हमने। शिकायती पत्र दिया? जी, सब कुछ दिया था वहाँ पर। क्या मामला है, आज आपने ज्ञापन दिया है? सर, हम लोगों को जो है अप्रैल माह से जो है तनख्वाह नहीं दी, हम लोगों के घर में बड़ी परिस्थितियाँ खराब हो गई, इसी वजह से हम लोगों ने कई जगह जो है ज्ञापन दिए लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं। नेताजी, ये गरीब लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको 6-6, 7-7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी बात से जाहिर हो जाता है कि सरकार दबे कुचले और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इनके कान में जू नहीं रेंगता है, 6-6 महीने से जलकल विभाग के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। एक तरफ एक कोरोना महामारी की मार झेल रहे थे पूरा परिवार, सारे व्यापार बंद हैं, रोजी रोजगार बंद है, 6-6 महीने बेल के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। आज अतुल के साथ ये जलकल के कर्मचारी हमसे मिले तो मैंने जिलाधिकारी से बात करने की कोशिश की और इनके जेई से बात की तो जेई ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको जब तक वेतन नहीं मिल जाता है तब तक हम संघर्ष करेंगे। आज हम चेयरमैन से भी बात करेंगे और ईओ की जल्द से जल्द तैनाती कर इनका वेतन दिलाने का काम करेंगे। अभी आपकी जय साहब से फोन पर वार्तालाप हुई है, क्या उसमें उन्होंने आश्वासन आपको दिया? उन्होंने कहा कि हमने बिल बना के भेज दिया है और मैं डाइंग अथॉरिटी नहीं हूँ, पेइंग अथॉरिटी नहीं हूँ और ये चेयरमैन करेंगे, चेयरमैन का काम आप चेयरमैन से बात करें। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।